अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू funboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का कंप्लीट कैमरा टेस्ट शेयर करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये डिवाइस कैमरा परफॉर्मेंस के अंदर किस तरह की वैल्यू आपको प्रोवाइड करती है, साथ में कैमरा के सैंपल्स भी देखेंगे और कैमरा के ऑप्शंस को भी चेकआउट करेंगे, और फिर साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवाइस क्या कैमरे के लिए आपको कंसीडर करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। इसके अलावा स्पार्क 7 प्रो की आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देगा, आप लोगों को वीडियो funboy.com के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों कैमरा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो रियर साइड के ऊपर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और फ्रंट साइड के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों कैमरा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि स्पार्क 7 प्रो की मज़ीद इंटरेस्टिंग स्पीड टेस्ट कंपैरिजन गेमिंग कंपैरिजन अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। इसके अलावा आज की वीडियो को लाइक भी जरूर कर देगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 150 लाइक का रखते हैं, उम्मीद है आप लोग लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों कैमरा ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे कैमरा को ओपन करते के साथ सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन AI कैम का मिल जाता है, जो कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट मोड है। और यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट मोड के मेगापिक्सल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज़ जो है वो 12 मेगापिक्सल का मिलता है, और बेसिकली 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर एक डेडिकेटेड ऑप्शन मौजूद है, जब आप उसको इनेबल करेंगे तभी ये मोबाइल 48 मेगापिक्सल की क्वालिटी कैप्चर करेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए फर्दर तो AI कैम के टॉप के ऊपर आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा HDR का ऑप्शन मौजूद है। और ये रहा 48 मेगापिक्सल का मोड जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आप जब इसको इनेबल करेंगे तभी ये मोबाइल 48 मेगापिक्सल की इमेजेस कैप्चर करेगा, अदरवाइज़ ये मोबाइल डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल की इमेजेस को कैप्चर करेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सैंपल आ रहे हैं वो इसके 48 मेगापिक्सल से के कैमरे से कैप्चर किए गए, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है, हो सकता है आप लोगों को वीडियो के अंदर पता ना चल रहा हो, लेकिन जो इसका मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे साइज़ को लेकर है, अदरवाइज़ यहाँ पे कलर्स और ओवरऑल क्वालिटी मुझे सिमिलर लगी डिफ़ॉल्ट की और 48 मेगापिक्सल की। यहाँ पर उसको फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे आप अपने फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, अपने हिसाब से आप फ़िल्टर्स डाल सकते हैं। फर्दर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड मिल रहा है, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से ब्यूटी को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बॉडी शेपिंग टूल भी दिया गया है। फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का एक डेडिकेटेड मोड मौजूद है, जिसके मदद से आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट का जो कैप्चर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी तक अच्छी क्वालिटी की इमेजेस हैं। फर्दर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे सुपर नाइट मोड मौजूद है, और सुपर नाइट मोड की भी इमेज सैंपल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। फर्दर बात की जाए यहाँ पे दोस्तों वीडियो की, तो यहाँ पे वीडियो के जैसे आप मोड ऑन करेंगे तो टॉप के ऊपर आपको 2K तक की रेजोल्यूशन तक का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं 720p 1080p और 2K ऑप्शन के दरमियान कोई भी एक रेजोल्यूशन। फर्दर बात की जाए तो वीडियो के अंदर ही आपको बोके इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी कि जैसे ही मैंने बोके को इनेबल किया ये डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन 720p पे ले गया, ये देखें 720p, यानी कि बोके मोड सिर्फ 720p तक ही सपोर्टेड है, तो आपने ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है। यहाँ पे वीडियो के सैंपल में थोड़े से आगे चल के चेकआउट कराता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें। फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे वीडियो के अंदर ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बेसिकली जो इमेजेस की ब्यूटी होती है वही सेम चीज़ वीडियो के अंदर अप्लाई करेगा। इसके अलावा फ्लैश लाइट का ऑप्शन मौजूद है, और सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी वीडियो क्वालिटी का आपको ऑप्शन मिल रहा है, वाटर मार्क का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा आई फोकस का ऑप्शन मिल रहा है, और शटर साउंड वगैरह आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज 720p वीडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि क्वालिटी फिर भी काफ़ी तक बेहतर है। सो ये वीडियो रिकॉर्डिंग बेसिकली 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर हो रही है, और यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन मुझे नहीं मिल रही, एंड फाइनली दिस वन इज़ द 2K रेजोल्यूशन वीडियो, और काफ़ी तक अच्छी क्वालिटी है, मतलब बजट सेगमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ ये काफ़ी हद तक अच्छा स्टेप है, लेकिन स्टेबलाइजेशन यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे इसके अलावा शॉर्ट वीडियो का एक ऑप्शन मौजूद है बराबर में, और शॉर्ट वीडियो के अंदर आप 15 सेकंड तक की अपनी मर्ज़ी की अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं।
यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स देख लेते हैं इमेज के अंदर। तो यहाँ पे AI कैम की सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन शटर साउंड का मिल रहा है, ग्राइड्स का ऑप्शन मिल रहा है, आई फोकस का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टच कैप्चर का ऑप्शन मौजूद है, वाटरमार्क का, पिक्चर साइज़ का मैंने आपको पहले दिखा दिया। फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे स्माइल शॉट का ऑप्शन मौजूद है जो कि बेसिकली स्माइल को डिटेक्ट करेगा और जैसी डिटेक्शन हो जाएगी तो ये कैप्चर कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे AI पोर्ट्रेट इनहेंसर का ऑप्शन मौजूद है जो कि बेसिकली जो पोर्ट्रेट्स होंगे उनको इन्हेंस करेगा। और यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक सैम्पल लगा रहा हूँ जो कि ये मोड ऑन करके कैप्चर किया गया है। इसके अलावा सारे वही डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं जो कि आपको सारे स्मार्टफोन्स के अंदर मिलते हैं। फर्दर बात की जाए यहाँ पे मोर ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर आप मेन्यू को ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ पे आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, पैनोरमा का ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का मिल जाता है और टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। स्लो मोशन की बात की जाए तो यहाँ पे स्लो मोशन जो है वो 240 FPS और 120 FPS 200 क्वालिटी के ऊपर सपोर्टेड है। और यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी स्लो मोशन आएगा वो बेसिकली 240 FPS के ऊपर कैप्चर किया गया है, तो उसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे स्लो मोशन की सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी खास सेटिंग आपको स्लो मोशन में नहीं मिलती, सिर्फ आप 120 FPS और 240 के दरमियान स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्लैश लाइट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए सेल्फ़ी कैमरे की, तो सेल्फ़ी कैमरे के अंदर भी आपको तकरीबन सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, सुपर नाइट भी, पोर्ट्रेट भी, ब्यूटी भी, AI कैम भी, वीडियो का भी ऑप्शन मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेल्फ़ी कैमरे के अंदर भी आप 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सेल्फ़ी की सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पिक्चर साइज़ आपको मिलता है वो बेसिकली 8M तक का मिलता है, 6M और 5M, ये तीन ऑप्शन मिलते हैं, मैक्सिमम 8M का मौजूद है क्योंकि सेल्फ़ी कैमरा सिर्फ 8 MP तक की इमेज को कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये थे मोबाइल के ओवरऑल कैमरा सैंपल्स और कैमरा के ऑप्शंस। आप लोगों को मोबाइल की ओवरऑल कैमरा क्वालिटी किस तरह की लगी और कैमरा ऑप्शंस किस तरह के लगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस सेगमेंट के ऊपर रह के अगर देखा जाए तो स्पार्क 7 प्रो का कैमरा काफ़ी हद तक अच्छी वैल्यू आपको दे देगा, क्योंकि देखा जाए तो ये डिवाइस गेमिंग के मामले में भी अच्छी डिवाइस है। यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, डिस्प्ले भी काफ़ी तक अच्छा लगाया गया है 90Hz का, और यहाँ पे जो आफ्टरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस है वो भी इन सब के साथ मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे कंप्लीट कॉम्बिनेशन की डिवाइस है। तो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आप लोगों को स्पार्क 7 प्रो की कोई भी वीडियो देखनी हो वो भी ज़रूर बताया देगा, वो सारी वीडियोस आपको phoneboy.com के ऊपर मिल जाएंगी। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर लाजमी क्लिक कर देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।